सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हरि दर्शन विद बलजीत। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं कनॉट प्लेस बंगला साहब गुरुद्वारा आया हूँ, जो कि दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। सभी गुरुद्वारों में से एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है ये बंगला साहिब। यहाँ अच्छी खासी हर रोज भीड़ उमड़ती है, आप देख ही पाएंगे, आप देख ही सकते हैं। सैटरडे संडे के टाइम तो बहुत ही भीड़ होती है। और यहाँ से ये देखिए आप सामने, यहाँ पे छोटा छोटा तीन भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में ये हिस्ट्री लिखी गई है। यहाँ पे ये आप जब आएंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं थोड़ी सी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से ये हमारा, यहाँ से आप जूती घर है, ये जूती घर में मैं अंदर आके थोड़ा सा एक वीडियो लिया था। तो यहाँ पे आप आराम से अपनी जूती जमा करा सकते हैं। यहाँ पे नीचे बेसमेंट में पार्किंग भी है, यहाँ पे पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। इजीली आप यहाँ पे अपने गाड़ी, स्कूटर, बाइक जो भी है आप आराम से पार्क कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से अभी हम गुरुद्वारे में एंटर हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस टेम्पल और गुरुद्वारे को बनाया गया है। और ये गुरुद्वारा 8वें सिख गुरु हरकिशन जी के संगति और परिसर के अंदर के पुल सरोवर के लिए जाना जाता है। ये तो शायद आपको पता ही होगा। ये अभी हम गुरुद्वारे के अंदर आ गए हैं। गुरुद्वारे के अंदर आपको मालूम ही है, बिल्कुल भी फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ क्लिप कुछ ले लिए थे कुछ दिखाने के लिए आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से, कितना खूबसूरत और कितना साइलेंट प्लेस है। आप आराम से बैठ के यहाँ पे, ये देखिए अरदास हो रही थी तो मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया। अंदर का ज़्यादा मैं क्लिप ले नहीं पाया, तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से अभी मैं बाहर आ गया हूँ क्योंकि अंदर ज़्यादा क्लिप अलाउ नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा, बिल्कुल भी अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिए थे। और यहाँ से अभी आप ये सरोवर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही माना जाना सरोवर है। इसी के नाम से ये पूरा गुरुद्वारा फेमस है। और इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। इसका निर्माण एक छोटे से मंदिर के रूप में सिख जनरल सरदार बघेल सिंह ने 1783 में, यानी 1783 में किया था, जिन्होंने उसी साल दिल्ली में बनाए गए 9वें सिख मंदिरों की देखरेख मुगल साम्राज्य से में शाह आलम द्वितीय ने की थी। ये तो शायद थोड़ा बहुत तो आपको हिस्ट्री मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी भी चीज़ें बताता चलूँगा। पूरी हिस्ट्री तो मैं इसमें पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में पूरी हिस्ट्री को बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं जो जो चीज़ें हैं मैं बताता चलूँगा। ये देखिए आप कैसे मैंने इस सरोवर को, ये सुबह के टाइम था, 6:30-7 बजे का टाइम है, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। सुबह शब्द चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से, कितना क्या शानदार व्यू है, ये देखिए। और श्री गुरु हरकिशन जी 1664 में दिल्ली में रहते समय यहाँ रुके थे। इस समय चेचक और हैजा की बीमारी से पीड़ित लोगों की सहायता, उनका इलाज कर उन्हें शुद्ध पानी यानी जल पिला करके जल्द बीमारियों से दूर गया। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जल्द ही गुरुजी को भी बीमारियों ने घेर लिया। 30 मार्च 64 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा जय सिंह ने एक छोटे पानी के टैंक का निर्माण कराया। और यहाँ पे शायद आपको मालूम होगा, बाबा बघेल सिंह म्यूजिकल और एक लाइब्रेरी का एक अस्पताल भी है। ये हमारा निशान साहब है, यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। सुबह का समय था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, और अगर जो लोग आते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो नहीं आए एक बार जरूर विजिट करिए। ये बंगला साहिब बहुत ही प्रसिद्ध, दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है। यहाँ ज़रूर आपको आना चाहिए, बहुत हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, टेंपल है। और यहाँ से देख सकते हैं अभी हम लंगर की ओर, हॉल की ओर जा रहे हैं। ये आगे हम लंगर की ओर, सो ये हमारा लंगर हॉल है। ये देख ही सकते हैं आप, कितने खूबसूरत तरीके से ये लंगर हॉल बनाया गया, फुल्ली एसी है। और यहाँ से आपको पता ही है कि मैंने पूरा इस वीडियो में पूरा गुरुद्वारे को कवर करने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी है। ये आप लंगर हॉल अंदर का हॉल है, जहाँ पे लंगर तैयार किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, और मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। गुड बाय।